हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ए बॉल इज ड्रोन रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रोन इज फर्स्ट पार्ट रेड सेकंड पार्ट नॉट रेड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। आपको क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये नहीं है सिंपली पी आर इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8। ठीक है, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 3/8। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 5 और टोटल बॉल कितनी है हमारी 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5/8। बच्चे इस क्वेश्चन को पता क्या करती है, पी ब्रैकेट में आर इज इक्वल टू 3/8। पी ब्रैकेट में कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। पी ऑफ आर इज इक्वल टू 3/8, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/8। चलो जी, अगर आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको लगता है कि टीचर आपको 2 मार्क्स देगा, हो सकता है कोई दे दे, बट कोई मेरे जैसा टीचर अगर आ गया तो शायद ना भी मिले। ठीक है, इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि आपका बोर्ड का पेपर कौन टीचर चेक करेगा आपको नहीं पता, इसलिए आप इस तरीके से लिखिए कि सामने वाले एग्जामिनर को आप ये चीज क्लियर कर सकें। ठीक है, कि आप एग्जामिनर को क्या समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड व्हाइट ग्रीन। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 5 + 8 + 4 इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल। रेड मार्बल कितने हैं हमारे 5, टोटल मार्बल कितने हैं 17। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू 5/17। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल। व्हाइट मार्बल कितने हैं हमारे 8/17। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू 8/17। थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन
मार्बल, क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ नॉन ग्रीन मार्बल, नॉन ग्रीन मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, अब यहां पे देखिए नॉन ग्रीन कौन कौन से है, रेड और व्हाइट, यानी 5 + 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17, दैट इज इक्वल टू 13/17। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 13/17। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल निकाल लीजिए जो कि 4/17 होगी, और फिर उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।